देखिए लेमनीज रूल पे एक क्वेश्चन आया था, जेई 2017 एडवांस पेपर सेकंड का क्वेश्चन है ये, और इसमें जीएक्स गिवन है। सपोज जीएक्स इक्वल्स टू एंड साइन इनवर्स ऑफ टी डी टी, एंड द लोअर लिमिट इज गिवन एज द साइन एक्स, अपर लिमिट इज गिवन एज द साइन 2x। सो वी हैव टू फाइंड आउट द जी डैश एक्स, और जी डैश एक्स अगर चारों ऑप्शन देखते हैं तो उसने या तो पाई बाई टू पे निकाला है या फिर माइनस पाई बाई टू पे निकाला। तो पहले इसको अगर जी डैश एक्स अगर निकालते हैं, दैट जी डैश एक्स एंड यूजिंग दैट लेमनीज रूल डी बाई डी एक्स, एंड दैट इज द साइन एक्स, अपर लिमिट इज साइन 2x एंड साइन इनवर्स ऑफ टी डी टी, राइट। सो जस्ट प्लेस दिस वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2x, कॉस 2x बाय द चेन रूल 2x का 2 आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखेंगे, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, दिस इज कंप्लीटेड, राइट। सो दिस इज जी डैश एक्स, ये जी डैश एक्स की वैल्यू थी, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोनस हो गया बिकॉज देर इज नो ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो इसको हम खाली सॉल्व करके देख रहे हैं, एंड उन्हें 2017 में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बोनस करना पड़ा बिकॉज ऑल द ऑप्शंस वर रॉन्ग। देखिए किस तरह से, जब आप इसकी वैल्यू सपोज इफ वी फाइंड आउट एट द पाई बाई टू, पाई बाई टू पे अगर इसको निकालते हैं जी डैश पाई बाई टू, सो दिस इज टू साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई देगा, ये साइन पाई देगा एंड कॉस ऑफ पाई देगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई टू इंटू दिस इज कॉस पाई बाई टू, राइट। सो कॉस पाई बाई टू बिकॉज दिस वैल्यू इज जीरो तो अल्टीमेटली ये जीरो बनाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई इज जीरो, राइट, साइन पाई इज जीरो, सो अल्टीमेटली दिस पोर्शन इज जीरो, सो जीरो माइनस जीरो दिस वी कैन सी दैट जी डैश पाई बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर इस सेम वैल्यू को अगर हम चेक करें एट द माइनस पाई बाई टू ऑल्सो, तो वो भी वैल्यू देखिए जीरो ही आने वाली है, क्योंकि तो अगर खाली इसमें एंगल माइनस का अगर होगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस, सो माइनस अगर हम यहाँ निकाल के इसकी वैल्यू निकालेंगे दैट पर्टिकुलर वैल्यू भी जीरो आएगी, और कॉस सपोज कॉस माइनस पाई पॉजिटिव हो जाएगा, सिमिलरली यू कैन से दैट जी डैश माइनस पाई बाई टू की वैल्यू भी ये पोर्शन जीरो हो रहा है, एंड सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू अगेन इट इज इक्वल टू जीरो, एंड कॉस पाई बाई टू इज डेफिनेटली इक्वल टू जीरो। सो ये इंडिविजुअली कॉस पाई बाई टू ये भी जीरो दे रहा है, सो इट इज ऑल्सो जीरो। जब ये दोनों वैल्यूज जीरो थी तो इसने चार ऑप्शन में ये रॉन्ग वैल्यूज प्लेस थी, दैट्स वाई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये बोनस हुआ था। तो देखिए ऐसा पॉसिबल है कि आईआईटी में इस तरह से, हालांकि बहुत बड़ी पैनल बैठती है, फिर भी इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है फिर आईआईटी ने पूरा बोनस किया था। सो लैमनीज रूल यूज होना था, लैमनीज रूल हमने डिफरेंशिएट किया, वैल्यू फाइंड आउट किए, और देखते हैं कोई भी ऑप्शन इसमें राइट नहीं होगा, ठीक है। सो और क्वेश्चन भी एडवांस का ही था, एडवांस्ड पेपर सेकंड का क्वेश्चन ये था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपस में, क्योंकि हम लिमिट्स में भी कर चुके हैं, सेम लेमनीज रॉ इज यूज्ड इन द, मैंने जैसा बताया कि उसको हमने लिमिट्स में यूज किया था, और लिमिट्स में जब देखते थे न्यूमरेटर और डिनोमेटर में जो पोर्शन बनता था उसको जो हम डिफरेंशिएट करते थे बाय यूजिंग द लॉ पटेल लॉ, सो व्हाट हैपेंस एट द टाइम, तो उस समय भी हमें लेमनीज रूल यूज करना पड़ता था। एक एग्जांपल मैं वापस ले रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेट इंडिकेशन में, तो आपको वापस रिमाइंड हो जाएगी ये चीजें रिकलेक्ट हो जाएंगी कि हाँ सेम वर्क वी हैव डन इन टू द लिमिट्स ऑल्सो। सपोज ये क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू टू, सिक्स टू एफ एक्स
फोर टी क्यूब डी टी एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, राइट, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखिए इसमें पर्टिकुलर, इसमें भी वही चीज है कि ये जो लिमिट का साइन है दोनों पे, सो ये x माइनस टू विल एक्ट लाइक एन अ कॉन्स्टेंट फॉर दिस इंटीग्रेशन। यहाँ ये विद रेस्पेक्ट टू t है, इट इज विद रेस्पेक्ट टू t, सो वी कैन सेपरेट दिस वन, इसको आप सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे ऐसा लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू टू एंड दिस इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम सिक्स टू एफ एक्स एंड फोर टी क्यूब डी टी एंड डिवाइडेड बाय, इसको क्लियरली हम ऐसा लिख सकते हैं। वो अगर मिक्स करके भी देता है, अगर इंटीग्रल साइन के अंदर भी देता है तो उसको बाहर निकाला जा सकता है बिकॉज इट इज एक्टिंग लाइक इन अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि जो उसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है डेफिनेट इंटीग्रल में दैट इज द टी, राइट, एक्स इज एक्टिंग एज अ कॉन्स्टेंट बट द लिमिट इज रिक्वायर्ड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो हियर व्हेन टेकिंग द लिमिट द वेरिएबल एक्स, यहाँ पे वेरिएबल बन जाता है वापस एक्स, ठीक है। तो नाउ विल टेक द लिमिट, जैसे इसकी लिमिट लेते हैं एक्स टेंड्स टू टू पे, तो एक्स टेंड्स टू टू पे इसकी वैल्यू डेफिनेटली गिवन होनी चाहिए एफ टू, अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा एफ टू। सो ओके जस्ट चेंज आई, इसमें डेफिनेटली एक वैल्यू देना चाहिए इसको, इफ इफ एफ ऑफ टू इक्वल्स टू सिक्स देन फाइन। ये सवाल को ऐसे बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा, राइट, ऐसा जरूरी है क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पे जीरो बाय जीरो फॉर्म क्रिएट करना जरूरी है, नीचे जीरो बन रहा है तो न्यूमरेटर में जीरो होना चाहिए, लिमिट प्लेस करेंगे टू तो एफ टू बनेगा, एफ टू को भी सिक्स ही होना जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में इतना पोर्शन इनकम्प्लीट था, ये हमने किया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट इज इट गिव्स द, जैसे ही हम यहाँ लिमिट लेंगे सो इट गिव्स द जीरो बाय जीरो फॉर्म, वाई, बिकॉज जैसे ही आप लिमिट प्लेस करते हो तो लिमिट में यहीं पे जो x वेरिएबल है x की जगह f2 आएगा, और f2 जैसा मैंने बताया 6 होना जरूरी है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो ये जब 6 टू 6 जाएगा तो ये वैल्यू जीरो देगा, और यहाँ लिमिट जब प्लेस करेंगे देन अगेन विल गेट द जीरो, सो हियर इट इज जीरो बाय जीरो फॉर्म, राइट। सो नेक्स्ट आवर वर्क इज टू डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर, लिमिट अभी लेना पेंडिंग है, दिस इज द डी बाई डी एक्स फ्रॉम सिक्स टू एफ एक्स फोर टी क्यूब डी टी, और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर देते हैं, और इसमें फिर अब लिमिट लेमनीज लॉ लगा देते हैं, विल यूज दिस लेमनीज लॉ, सो दैट इज द फोर ऑफ एफ एक्स होल क्यूब, राइट, एंड दिस इज एफ डैश एक्स, definitely there should be given some values, otherwise we cannot solve this particular question. So f2 f dash x ye sab kuch diya hua hona chahiye, theek hai, f dash ye jaisa hai wahi hum likh ke chhodenge, koi dikkat nahi, ab finite value mein mil rahi hai, so particular that value is equals to this one f4 of fx whole cube aa gaya, f dash x aa gaya, and लोअर लिमिट में वैल्यू जीरो आएगी, इक्वल्स टू वन आ गया एज यू प्लेस द वैल्यू, सो दिस इज द एफ एफ टू होल क्यूब इन टू एफ डैश टू, और इसकी वैल्यू दी हुई होनी चाहिए डेफिनेटली, अगर हमने एफ टू को सिक्स लिखा है सो दिस इज द फोर टाइम्स ऑफ सिक्स क्यूब इन टू एफ डैश टू इज द आंसर, राइट, यू कैन प्लेस दिस आंसर बिकॉज वी डोंट हैव द अगेन वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज द 6 क्यूब 36 इंटू 6 216 इंटू 4 864 एफ टू, चलिए इसको हम इसको आंसर मान लेते हैं, 864 एफ डैश टू कैन बी द आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए इस तरह से दिया हुआ है, इफ जीरो टू वाई
कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी राइट इक्वल्स टू जीरो टू एक्स स्क्वायर साइन टी बाय टी डी टी देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर डिफरेंशिएशन बिकॉज एट दैट टाइम हमें ठीक है लेबनीज़ रूल भी पता ही था, कर भी सकते थे उसमें क्योंकि उससे पहले लिमिट किया था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम यहाँ भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लेबनीज़ रूल लग रहा है इसमें एंड वी कैन अप्लाई द लेबनीज़ रूल। सो वट वी कैन डू, उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स राइट, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स when you differentiate it with respect to x both side, देखिए क्या होता है, ये with respect to x differentiate किया है, so that this is the cos of y square, और y को हमें x के respect में differentiate करना है, so here it is dy by dx, 0 place करेंगे तो value 0 आएगी, इसको छोड़ देंगे, equals to again the dy by dx of this, this is the sine of x square divided by x square into derivative of this, this is the 2x, this is with respect to x, और वो हमने किया था with respect to x, differentiating both the sides, right? So you can write like this. अच्छा, यहाँ पे जो value निकालनी है dy by dx, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक x cancel हो जाएगा, this can be written as 2 sine of x square divided by x and cos of y square. This is cos of y square. Cos of y square इधर divide करेगा. So this is the value of d by dx. Simple question. But what is given? Here it is given the with respect to y. We can differentiate it with respect to x always. तो ये हम कर सकते हैं इस तरह से. ये देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा. उसको convert करोगे. Cos of y की जगह पहले variable place कर देंगे. Cos of y square आ जाएगा. But y will differentiate with respect to x, so that value will be equals to dy by dx, right? और इधर तो हमने किया ही है with respect to x, उसको differentiate किया है, तो definitely we can write like this, ठीक है? तो इस तरह से ये चीज workout हुआ, dy by dx आपको मिलेगा, that is 2 sin of x square divided by x cos of y square, right? इसके बाद में एक last question ले लेते हैं, Leibnitz rule में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बचे, क्योंकि बहुत कुछ वर्कआउट कर ही दिया हमने उधर लिमिट्स में कर दिया और उसके बाद में डिफरेंशिएशन में भी हो चुका है। सो दीज आर द क्वेश्चंस, दिस इज कंप्लीटेड ऑलमोस्ट राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द वॉलिस फॉर्मूला, सो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट आई एम टेकिंग द वॉलिस फॉर्मूला।